जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र की जिंजोड़ा चौकी के रिश्वतखोर दरोगा सस्पेंड, वादी को धमकाकर रिश्वत वसूलने का था आरोप। जनपद संभल के रजपुरा थाने की जिंजोड़ा चौकी के दरोगा सत्य प्रकाश पर धमकाकर रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाले वादी सत्यपाल की शिकायत सही पाने के बाद एसपी ने रिश्वत मांगने वाले दरोगा सत्य प्रकाश को एसपी ने किया सस्पेंड। रिश्वतखोरी की तस्वीर कैमरे में कैद करने वाले वादी ने किया था वायरल। रजपुरा थाने की जिंजोड़ा डांडा पुलिस चौकी के प्रभारी पर था रिश्वतखोरी का आरोप। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, हसनपुर का रहने वाला हूँ। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ, आपने जो वीडियो वायरल किया पैसों जी, क्या है? मैं पीड़ित हूँ उसमें मेरा एक मुकदमा लिखा गया था। मेरे घर में दस्कर में एक मारपीट की थी 452 का। उसमें दरोगा जी ने 25,000 रुपये मांगे थे, तो 5,000 रुपये हमने पहले दे दिए थे। उसके बाद 20,000 रुपये और मांग रहे थे जी। उसमें जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें 15,000 रुपये में फैसला हुआ था हमारा जी। तो उसमें 14,800 रुपये उनके पास पहुँच गए हैं। जो वीडियो में 200 रुपये की बात चल रही है, वो 200 रुपये कम थी, चार सीट लगाने थे, वो एक्सपेंज कर रहे थे 400। सब इंस्पेक्टर हैं रजपुरा थाना के, एक वीडियो वायरल हुआ रिश्वतखोरी का, इसमें 15,000 रुपये लगे, क्या मामला है सर, क्या कार्रवाई है? ये कल वीडियो वायरल हुआ है, रजपुरा थाने के एक सब इंस्पेक्टर हैं पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इसके वायरल होने के बाद जब जानकारी हुई तो इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसकी जाँच सीओ साहब से कराई जा रही है, इसके रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई होगी। तो सर भ्रष्टाचार का मुकदमा ही कायम हुआ है? अब जाँच पूरी हो जाएगी, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई होगी।